अब इलिशिवा जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है तब वो क्या कहती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि मरियम जो थी सितंबर के महीने में जब इलिशिवा के पास गई है मिलने तो वो गर्भवती थी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की हार्दिक बधाइयां आप सबको प्राप्त हो। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के जन्म के बारे में। पिछले संदेश में भी हमने यीशु मसीह के जन्म के बारे में सीखा था कि किस तरीके से मरियम के पास जिब्राइल फरिश्ता कौन से महीने में आया, और जो बाइबल का कैलेंडर होता है वो कैलेंडर जो है किस महीने से आरंभ होता है और कहां कब खत्म होता है, यानी अप्रैल से आरंभ होता है और मार्च उसका लास्ट महीना होता है। और हमने सीखा था कि छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल सरदूत जो है वो मरियम के पास भेजा गया, और छठे महीने से जब हमने लगाया मई तक 9 महीने होते हैं और 11 जून को जो है वो प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। अब आप कहोगे कि क्या सितंबर से ही हम क्यों लगाएंगे, सितंबर से क्यों लगाएंगे, क्या मरियम उसी समय गर्भवती हो गई थी? जी हां। अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बड़े ध्यान से सुनने की बात है, मरियम ने वचन स्वीकार किया और वह गर्भवती हो गई। यहां लिखा हुआ है लूका 1:38 है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब सरदूत उसके पास से चला गया। जैसे ही मरियम ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार करा, परमेश्वर का वचन जो है कार्यशील हो गया। आप उत्पत्ति 1 को पढ़ लीजिए, जैसे ही परमेश्वर ने कहा उज्याला हो तो हो गया तुरंत। ध्यान देने की बात है। फिर परमेश्वर ने सृष्टि को, आप पूरा जब अध्याय पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 का, कि परमेश्वर ने कहा यह हो जा तो वो तुरंत हो गया। यहां पर मरियम के पास जब परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा, अपना वचन भेजा, अपना संदेश भेजा, और जैसे ही मरियम ने स्वीकार करा, क्या स्वीकार करा, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से पढ़ रहा हूं लूका 1:38 जो है पद है, मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब सरदूत उसके पास से चला गया। जैसे ही उसने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, वो गर्भवती हो गई और सरदूत जो है वो चला गया जब उसने वचन को स्वीकार कर लिया। ऐसे ही हो जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसे ही उसने कहा ऐसे ही हो, वैसे ही हो गया, वो गर्भवती हो गई। फिर लिखा लूका 1:37 में, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से होता है वे प्रभाव रहित नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव ना पड़े, उसका प्रभाव जो है तुरंत होता है। परमेश्वर का वचन बहुत जो है, जब परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने जाता है उसी समय पूरा करने जाता है, तो वो उसी समय होता है और उसका प्रभाव जो होता है वो दिखाई देता है। और उसका प्रभाव जो है जब मरियम पे पड़ा तो सरदूत वहां से चला गया, उसके पास से चला गया, क्योंकि वो क्या थी, परमेश्वर के वचन के प्रभाव में आ चुकी थी, उसके प्रभाव, वचन के प्रभाव से परिपूर्ण हो चुकी थी। फिर क्या कहता है परमेश्वर का वचन लूका 1:39-45 तक जब आप पढ़ेंगे, चलिए हम इसको जो है परमेश्वर के वचन में से इसको पढ़ लेते हैं, और शीघ्र, मतलब मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं शॉर्ट शॉर्ट चीजें जो है बताऊंगा, नहीं तो सब पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहां जो है 39 में क्या लिखा है, अब यहां ध्यान देना, मरियम उठकर शीघ्र इलिशिवा के घर गई। अब इलिशिवा के घर क्यों, अब मरियम को नहीं पता था कि उसकी बहन इलिशिवा जो है वो गर्भवती है, कि उसके भी बच्चा होने वाला, क्योंकि वो भी बांस थी, उसके बच्चा नहीं होता था। मगर इस ये संदेश किसने दिया, ये संदेश परमेश्वर के द्वारा जो है जिब्राइल सरदूत के द्वारा उसके पास पहुंचा कि तेरी बहन जो है इलिशिवा, चचेरी बहन थी उसकी जो, वो है वो गर्भवती है, उसका ये छठवां महीना चल रहा है। पिछले संदेश में हमने ये चीज सीखी थी। और यहां पर क्या लिखा हुआ, परमेश्वर का वचन कहता है, यहां जब 40-41 तक पढ़ेंगे, मैं नॉर्मली चीजें पढ़ रहा हूं, जैसे इलिशिवा ने मरियम का नमस्कार सुना, इलिशिवा के गर्भ में अर्थात पेट में बच्चा उछल पड़ा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, वो जब सरदूत ने उसको संदेश परमेश्वर का दिया मरियम को,
और मरियम ने उस संदेश को स्वीकार करा, और जैसे ही वो स्वीकार करा वो परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण हो गई यानी गर्भवती हो गई। फिर वो तुरंत उठकर अपनी चचेरी बहन इलीशिबा के पास गई और उसने अपनी चचेरी बहन इलीशिबा को जैसे ही नमस्कार करा तो इलीशिबा के पेट में जो बच्चा था, जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता था, वो उछल पड़ा आनंद से, वो खुशी से उछल पड़ा। अब यहां पर वो जो है वो क्या कहती, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि छठवें महीने में मरियम जो थी वो गर्भवती हो गई थी, यानी सितंबर के महीने में। ठीक है, इलीशिबा के गर्भ में यूहन्ना बपतिस्मा दाता था, वे खुशी से उछल पड़ा क्योंकि मरियम के गर्भ में यीशु का अंश आ चुका था और यीशु मसीह जो था वो यूहन्ना के बारे में इस बात की गवाही था यीशु मसीह के लिए कि मैं तेरा दूत तेरे आगे आगे भेजूंगा। तो यूहन्ना जो था यीशु मसीह से 6 महीने पहले पैदा हुआ था और उसने यीशु मसीह की गवाही जो थी यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने से पहले शुरू कर दी थी, तो उसके बारे में वो पहले पहले से ही सबको बताने लगा था। परमेश्वर का वचन ये कहता है, क्योंकि वो कहता है ना कि वो क्या है, पुकारने वाले की आवाज है। अब पुकारने वाला यूहन्ना ये नहीं कहता कि पुकारने वाला मैं हूं, वो कहता मैं उसकी आवाज हूं। कहने का मतलब जैसे मूसा की आवाज, कौन था मूसा जो था, बहुत बद्धा था बोलने में, वो ठीक से बोल नहीं पाता था, तो परमेश्वर ने उसके मुंह का नबी, उसकी आवाज जो है उसके छोटे भाई हारून को बनाया था। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह की आवाज बनकर यूहन्ना जो था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो था, वो आया था और वो कहता है मैं पुकारने वाले की आवाज हूं। दूसरी बात, इलीशिबा मरियम का नमस्कार सुनकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। अब ध्यान देना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, क्यों? क्योंकि वो जो संदेश उसको मिला था, परमेश्वर कहता है कि आत्मा जो है, परमेश्वर का आत्मा जो है वो तुझ पर छाया करेगी और परमेश्वर का आत्मा जो है वो तेरे गर्भ में होगा जिसका नाम यीशु मसीह है। और यीशु मसीह जो है, जब इलीशिबा ने जैसे मरियम ने नमस्कार करा इलीशिबा को और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। अब ध्यान देने की बात है, यहां पर जब आप पढ़ेंगे ना पद 42 से 45 तक, अब इलीशिबा जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है तब वो क्या कहती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि मरियम जो थी सितंबर के महीने में जब इलीशिबा के पास गई है मिलने तो वो गर्भवती थी। अब वो क्या कहती, तू स्त्रियों में धन्य है, पहली चीज। दूसरी चीज, और तेरे पेट का फल धन्य है। अब इलीशिबा को कैसे पता कि उसके वो गर्भवती है? वो इसलिए पता है क्योंकि जैसे उसने नमस्कार करा उसके पेट में यूहन्ना जो था वो खुशी से आनंद से उछल पड़ा और इस बात से उसने जान लिया, पहली चीज। दूसरी चीज, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, इसलिए जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई तो पवित्र आत्मा ने ये बता दिया कि तेरी ये जो बहन है मरियम ये गर्भवती है और इसके पेट में जो है वो यीशु मसीह है और परमेश्वर की योजना के तहत आया है। तो यहां पर जो है मरियम गर्भवती हो चुकी थी कि और धन और तेरे पेट का फल धन्य है। अब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कह रही है, वो अपनी तरफ से नहीं कह रही, यानी पवित्र आत्मा उसके द्वारा बुलवा रहा है, वो झूठ नहीं बोल रही है। फिर है, वे शीघ्र मिलने गई, यानी जैसे ही संदेश उसने ग्रहण किया उसके तुरंत बाद जो है वो उससे मिलने गई। फिर लिखा है, चौथा पॉइंट है, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। अब ध्यान दीजिएगा यहां क्या कह रही, मेरे प्रभु की माता। प्रभु कौन? यीशु मसीह। यानी इलीशिबा कह रही कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास है, यानी यीशु मसीह के बारे में वो जो है वो बात कर रही है। पांचवा पॉइंट है यहां, जैसे ही तेरा नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा वैसे ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। ये सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो बात कर रही है। और फिर क्या है छठे पॉइंट में, जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई थी वे पूरी होंगी। यहां पर परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को बताता है। अब यहां पर क्या है, इसका मतलब जो मरियम है वो सितंबर के यानी छठे महीने में गर्भवती हो गई। जैसे हमने पिछले संदेश में यहूदी कैलेंडर के बारे में मैंने आपको सारे नाम बताए थे कि यहूदी कैलेंडर के नाम थे और वो छठा महीना जो है वो कहां से, मैं फिर आपको रिपीट करता हूं, सितंबर से शुरू होता है। छठवां महीना जो है सितंबर का होता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी 9 महीने। नॉर्मल डिलीवरी का जो समय होता है 9 महीने
15 दिन जो होता है वो एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, और यीशु मसीह जो है एक नॉर्मल डिलीवरी के अनुसार हुआ, क्योंकि परमेश्वर की कोई उसके अंदर ऐसी बात नहीं थी कि वो गलत समय में पैदा हो रहा है या कुछ। परमेश्वर के निर्धारित समय में पैदा हुआ, यानी कब पैदा हुआ, 11 जून 4 BC को प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। अब 11 जून 4 BC को कैसे पैदा हुआ, इसके लिए आपको और संदेश में जाना होगा। ये तो क्लियर हो गया कि मई तक सितंबर से लेकर मई तक 9 महीने पूरे होते हैं, और उसके बाद 15 दिन अगर आप लोगे तो उसके बीच में जून की किसी तारीख में 1 से लेकर 15 तक, परंतु मैंने 11 तारीख दी है आपको। 11 तारीख क्यों दी है, क्योंकि बाइबल से कंपेयरिंग करके आपको बताऊंगा कि 11 जून कैसे है, तब आप विश्वास करेंगे। हाँ, मैं कोई भी चीज आपको हिस्ट्री से नहीं बता रहा हूं, ज्योग्राफी से नहीं बता रहा हूं, या मैथमेटिक तरीके से नहीं बता रहा हूं कि उसका मैथमेटिक गुणा भाग करके आपको बता रहा हूं, मैं आपको बाइबल के उदाहरण देकर बता रहा हूं। और अभी ये बात यहां खत्म नहीं हुई है, संदेश और भी हैं, और आप जानेंगे कि 11 जून डेट कैसे है। इंतजार करते रहिए, प्रभु आपको आशीष दे।